22 नवंबर को बीजेपी का संगठन पर्व संगठनात्मक चुनाव को लेकर मनाया जाएगा। बीजेपी का संगठन पर्व सभी राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सभी राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों की मौजूदगी रहेगी। 22 नवंबर को बीजेपी का संगठन पर्व संगठनात्मक चुनाव को लेकर संगठन पर्व और सभी राज्यों के अध्यक्ष और बीजेपी प्रभारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 22 नवंबर को बीजेपी का संगठन पर्व। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी दिल्ली से लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बीजेपी जिस तरीके से हमेशा संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए समय समय पर तमाम बैठकें भी करती है, लेकिन अब संगठन पर्व बीजेपी 22 तारीख को मनाने जा रही है। सभी राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी मौजूद रहेंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल बीजेपी की बड़ी बैठक है, बीजेपी संगठन पर्व मना रही है। बीजेपी देखिए संगठनात्मक चुनाव को लेकर के पूरी रणनीतिक तरीके से कहा जा सकता है काम कर रही है, क्योंकि देखिए मकर संक्रांति तक, नए साल में मकर संक्रांति तक भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, इस तरह की बातें चल रही है, इस तरह की पूरी रोडमैप तैयार कर ली गई है। क्योंकि देखिए अभी जो है कई राज्यों में जो है जो सदस्यता अभियान चल रही थी उसको और तेज कर दिया गया था, जो गोल सेट किया गया था सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको टारगेट दिया गया था कि किस राज्य में कितने सदस्य बनाने हैं, तो सक्रिय सदस्य बनाए गए, फिर सदस्य बनाए गए सामान्य जो सदस्य होते हैं, उसके बाद अब संगठन को लेकर के किस तरह से संगठनात्मक चुनाव को आगे लेकर बढ़ना है। क्योंकि देखिए जो संगठन चुनाव होते हैं उसमें भी पूरा प्रोसेस एक होता है कि पहले जो है ब्लॉक लेवल पे चुनाव होता है, फिर जिला लेवल पे होता है, फिर मंडल लेवल पे, उसके बाद राज्य स्तर पर चुनाव होता है, और फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नाम को घोषित किया जाता है कि किसे राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, किसे सचिव बनाया गया, ये पूरी प्रक्रिया एक होती है, तो उसको संपन्न कराने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है। और कल जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पर्व बनाएगी तो उसमें भी इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि आने वाले समय में कैसे चुनाव को संपन्न कराना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष कल मौजूद रहेंगे, और इस दौरान सभी राज्यों के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल यह भी मौजूद रहेंगे। सभी लोग अपने अपने राज्यों में संगठन की क्या स्थिति है इसकी रिपोर्ट देंगे, उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी, और आने वाले समय में जो संगठनात्मक चुनाव संपन्न कराना है उसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है, कैसे इसको कराना है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो कल भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर संगठन पर्व नाम दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि संगठन पर्व कल मनाया जाएगा, उसमें इन्हीं सब चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी कि कैसे चुनाव को संगठनात्मक चुनाव को संपन्न कराना है। तो सभी राज्यों के जो पदाधिकारी मौजूद रहेंगे वो अपने अपने हिसाब से बताएंगे कि राज्य में क्या स्थिति है और कब तक वो चुनाव कैसे संपन्न कराया जाएगा। जी देखिए, अगले 3 महीने में जो संगठनात्मक ढांचा है वो भी बदल जाएगा, और इसे लेकर समय समय पर पार्टी की ओर से जिस तरीके से अगर बात करें तो इस बार क्योंकि सदस्यता अभियान भी चलाया गया, उसकी सक्रियता कितनी है, क्या इस पर भी चर्चा होगी? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि देखिए बीच में समीक्षा भी हुई थी कई राज्यों में, जो टारगेट दिया गया था कि 10 लाख सदस्य बनाना है, 2 करोड़ सदस्य बनाना है, 1 करोड़ बनाना है, सभी राज्यों को मतलब इस तरह से टारगेट दिया गया था, तो बीच बीच में कई राज्यों में जो स्थिति धीमी हो गई थी तो उसको लेकर समीक्षा बैठक भी दिल्ली में की गई थी। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी समीक्षा की थी, सभी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा किया था, और आने वाले समय में सदस्यता अभियान को कैसे तेज करना है इसको लेकर कहा जा सकता है एक मंत्र भी दिया गया था, जहां पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी राज्यों में लगभग जो टारगेट दिया गया था उस टारगेट को पूरा कर लिया गया है कि किस राज्य में जो सदस्यता अभियान को लेकर, जैसे राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में 2 करोड़ सदस्य बनाने की बात चल रही थी, तो सभी राज्यों में जो टारगेट दिया गया था लगभग वो पूरा कर लिया गया है। अब रहा संगठनात्मक चुनाव को लेकर के,
22 तारीख को कल जो बड़ी बैठक होनी है उस बैठक में चर्चाएं की जाएंगी। सूत्रों से अभी जानकारी आ रही है कि कल हो सकता है कि कार्यकारी अध्यक्ष का नाम भी घोषित कर दिया जाए, इसीलिए कल की बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आने वाले समय में जब तक चुनाव संपन्न नहीं होता है तब तक कार्यकारी अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा की जा सकती है। तमाम डेवलपमेंट की बातें सामने आ रही है। फिलहाल कल का बैठक इसीलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कल पूरे दिन में बैठक होगी, बैठक के बाद क्या कुछ बातें सामने आती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना जरूर है कि मकर संक्रांति तक जनवरी महीने में, जनवरी 2025 का जो महीना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मकर संक्रांति तक भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो कल ये बड़ी बैठक है, संगठन पर्व के तौर पर बीजेपी मनाएगी और जो तमाम प्रदेशों के प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया है और निश्चित तौर पर संगठनात्मक गतिविधियों की रिपोर्ट भी उनसे लाने को कहा गया है।